अस्सलाम वालेकुम नासिर। हक टेलीविजन के ड्राइंग रूम से आपका मेजबान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। और नाज़रीन, आज हक टेलीविजन के ड्राइंग रूम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद जी। डॉक्टर, मैं आपको हक टेलीविजन के ड्राइंग रूम में शुक्रिया कहता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कल आपसे अर्ज किया था कि आज से कल डॉक्टर साहब हमारे साथ हर जुमेरात को होते थे, लेकिन आप ही के बेहद इसरार पर और आप ही की ख्वाहिशात पर कि डॉक्टर साहब की एक सजाई प्रोग्राम हफ्ते में होनी चाहिए, हमने डॉक्टर साहब से गुजारिश की, रिक्वेस्ट की, और डॉक्टर साहब ने न सिर्फ हमारी ख्वाहिशात और हमारी रिक्वेस्ट का एहतराम किया, बल्कि सबसे बढ़कर आपकी जो ख्वाहिश थी उसका एहतराम करते हुए इस बात के लिए आमादगी जाहिर की कि वो आज से जुमे को भी हमारे साथ ड्राइंग रूम में हुआ करेंगे, यानी अब हफ्ते में दो दिन जुमेरात और जुम्मा, ये आप नोट कर लीजिए। और इसके लिए मैं डॉक्टर साहब आपका मशकूर हूँ कि आपने हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको आपने एक्सेप्ट किया और अपने इतने कीमती वक्त में से आपने वक्त निकाला और हमारी नाज़रीन की भी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए हमारे ड्राइंग रूम में तशरीफ़ लाए। आप लोगों का शुक्रिया, शुक्रिया सबका आपका कि मुझे आपने इनवाइट किया। मुझे बहुत खुशी है इस प्लेस में आते हुए, यहाँ पर हक टीवी ये सिलसिला तकरीबन 6 साल से चल रहा है और मेरा आपका तो तकरीबन कोई 7-8 साल 9 साल से चल रहा है। जी बिल्कुल, तो मुझे बहुत खुशी है इस तरह के ताल्लुकात जो एक बेहतरीन से ट्रस्ट एक दूसरे के साथ और एक अच्छे माहौल के अंदर आगे बढ़ते रहे, बहुत अल्लाह बढ़ते रहेंगे ये इंशाल्लाह। और नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के अंदर क्योंकि इतने मौजूआत पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं, इतने मौजूआत पर आपको मालूम फ्राहम कर रहे होते हैं, कल हमने डायमेंशन के हवाले से बात की और आज हम क्योंकि असल में इस प्रोग्राम की मकबूलियत की वजह से नए हमारे नाज़रीन भी शामिल हो रहे हैं, नए व्यूअर्स भी हमारे बन रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इस प्रोग्राम की पॉपुलैरिटी है। तो हम आज जो बात करेंगे, हम मेडिटेशन के हवाले से बात करेंगे जिसे हम मराकबा कहते हैं, और बहुत इब्तदा से हम बात करेंगे कि अगर किसी को नहीं पता कि मराकबा क्या होता है, मराकबा क्यों किया जाता है, मुराकबे की कितनी अकसाम होती हैं, मुराकबा करके इंसान क्या महसूस करता है, तो वो आपकी मालूमात में इजाफा होगा। और यही डॉक्टर साहब की खूबी है कि डॉक्टर साहब इस अंदाज से सारी मालूमात और इंफॉर्मेशन फराहम कर रहे होते हैं कि एक अगर कोई शख्स ऐसा है कि जो ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं है तो उसकी भी बात जो है वो समझ आती है और डॉक्टर साहब की जो बात है वो उसके दिल में उतर जाती है। जी डॉक्टर साहब, मेडिटेशन या मराकबा हम जिसे कहें, क्या है मराकबा? मराकबा बड़ी इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया और बहुत अच्छा टॉपिक रखा आपने कि इस चीज़ पे हम बात करें जो इंसान के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, बहुत अहम तरीन चीज़ है, जो हमारे इबादत भी है, उससे मराकबे से सुकून भी मिलते हैं, ताकत भी मिलते हैं, टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस जैसी बीमारियों से, गुस्सा जैसे बीमारियों से, जैसा कि एक नेगेटिव सोचने जैसे कि मिसाल के तौर पे कभी कभी कुछ लोग अच्छी चीज़ के लिए भी बुरा सोचते हैं, शक होते हैं, शुबात होते हैं उस चीज़ों में, बहुत सी चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में अभी जो मसनू मशीनी लाइफ में जो चल रहे हैं, तो उस चीज़ों के लिए हमें मराकबे का एक तर्ज सीखना बहुत ज़रूरी है, मराकबा को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो किस चीज़ को इंसान को पता हो कि उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फवायद क्या है, तो फिर उसके बाद तो उनका इंटरेस्ट खुद ब खुद डेवलप होते हैं। असल में मराकबे के बारे में बहुत कम लोग, महदूद लोग जानते हैं। मराकबा एक ऐसा तर्ज है, अमल है, एक ऐसा रास्ता है जो इंसान को रूहानी ताकतों के साथ मुंसलिक करते हैं। अच्छा। और उनके यानी नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, साइंस के हवाले से नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं इंसान,
जब आप कायनात के सोल के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो उस सूरत में आपकी बीमारियां, आपके जो साइकोलॉजिकल बॉडी है, जो आपके जो ऑरा है जिसे कहते हैं एनर्जी सेंटर से, ये धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। उस सूरत में इंसान को बहुत से ऐसे सलाहते अल्लाह ताला अता करते हैं जो वो एक अच्छाई की तरफ रागब होते हैं, इबादत की तरफ रागब होते हैं। और ये एक बेहतरीन रास्ता इसका है कि आजकल तो ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में ये जो बहुत यानी डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर तो मशीनी मसनू दुनिया में इंसान इतना खो गया है कि इतना बिजी है कि वो स्ट्रेस का शिकार हो गए, टेंशन डिप्रेशन में चले गए। तो अब उन्होंने एक रास्ता, जब ऐसे जब मेडिकली लोग क्योर नहीं होते हैं, साइकोलॉजी के हवाले से क्योर नहीं होते लोग, तो होता क्या है कि वो ये रास्ता इख्तियार करते हैं मराकबे का। और आजकल बहुत पॉपुलर है मराकबा दुनिया में, ना सिर्फ यहाँ पर इस एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में मराकबा जो है वो बहुत पॉपुलर। लोग नए नए तरीके और नए नए जो पुराने से चलते आ रहे हैं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि टाइम नहीं होते हैं लोगों के पास, थोड़ा अपने दिली तस्कीन के लिए जी वो ख्वाबावर दवाएं लेते हैं और इस तरह की कुछ नशीली चीज़ें लेते हैं, तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि शायद हमारे सुकून है, हमें अच्छाई है, फ्री टेंशन से फ्री हो जाए। लेकिन वारिजे होते हैं जी, लेकिन मराकबा जो है वो परमानेंटली इंसान को सुकून की तरफ ले जाते हैं, खुशी की तरफ ले जाते हैं। तो आपने फरमाया कि मराकबा है क्या, किसी भी चीज़ पे अगर हम मुतवज्जे हो, तवज्जो हमारे किसी भी चीज़ पे फोकस्ड हो, जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं जी, तो वो बहुत आसानी से इंसान को अल्लाह अता करते हैं। होता यह है कि तवज्जो की बात है कि तवज्जो को मरकूज रखना, तवज्जो को जो हमारे सलाहते हैं जो अल्लाह ने दिए है, वो एक बारिश की तरह मुंतशर होती है। अब उसको एक नुक्ते पे लाना, एक जगह पे लाना और एक ही पॉइंट पे, एक ही नुक्ते पे फोकस्ड करना, उसे मराकबा कहते हैं। कि अगर मराकबे के दौरान हमारे तवज्जो अल्लाह की तरफ हो, हमारे तवज्जो नूर की तरफ हो, हमारे तवज्जो रूहानी ताकतों की तरफ हो, हमारे तवज्जो किसी भी मुकद्दस प्लेस पे या मुकद्दस शख्सियत पे कहीं पे भी यानी हो हमारे तवज्जो, तो अलग अलग हमें उस मंजिल तक पहुँचाते हैं। सही। दूसरी दुनिया में मराकबा को लोग मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ जो है ना इस मकासद के लिए कि उनके सिर्फ ये बीमारियां क्योर हो जाए, सुकून मिले उन्हें बस। सही। कुछ लोग उसके साथ साथ इसको अप्लाई करते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बहुत तरक्की करते हैं माली दुनिया में भी, रूहानी दुनिया में भी। कुछ लोग हैं जो ख़ास एक चीज़ पे फोकस्ड करते हैं कि ख़ास चीज़ है उनको ताकि वो अचीव करें, अल्लाह ताला उनको वो अता फरमाए। तो कुछ लोग जो होते हैं जो अजीम लोग होते हैं, जो बहुत ही यानी वो चाहते हैं कि कुछ उन्हें दुनिया में एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें हासिल करें, तो वो इलम पे फोकस्ड करते हैं कि अल्लाह मुझे अवेयरनेस, अल्लाह मुझे मुझे पहचानने की ताकत अता फरमाए, मुझे पहचानने वाले से बिल्कुल अच्छा, मुझे पहचानने की ताकत अता फरमाए, इलम अता फरमाए, रास्ता मुझे अता फरमाए, बताएं दिखाएं कि मैं उस रास्ते पे चल के, चाहे उसमें मुश्किलात भी हो चाहे उसमें कुछ भी हो, सही, मुझे अल्लाह ताला के जो रास्ते हैं, जो वो एक निज़ाम है, उस पर फोकस करना। आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग जो
नमाज पे खड़े होते हैं, उनकी तवज्जो इर्द-गिर्द का नहीं होता है, बिल्कुल पता ही नहीं होता है इर्द-गिर्द का, क्योंकि उनकी तवज्जो अल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह की तरफ होते हैं और वो उसको आवाज़ें कोई भी चीज़ डिस्टर्ब नहीं करते होती है, क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं, उनकी तमाम सलाहियतें एक नुक्ते पे होती है, एक चीज़ पे होते हैं, वो तर्ज अमल पे होते हैं, वो वर्ड्स पे होते हैं, वो जो अदा करते हैं, जो हम पढ़ते हैं उस चीज़ों पे होते हैं, रुको पे होते हैं, सजदों पे होते हैं। असल मैं आपकी कलामी करता हूँ, असल में असल नमाज तो यही है कि जिसमें हमारा असल, वरना होता क्या है कि आप जाए नमाज पे खड़े होते हैं, नियत आप करें, आप पढ़ रहे होते हैं नमाज, लेकिन ख्याल जो है आपको इधर उधर के आ रहे होते हैं, सही, तो प्रॉपर नमाज कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जैसे भी नमाज है आपने अभी जिक्र किया, असल नमाज तो यही है जैसे हम खुशू और खुशू के साथ जो हम कहते हैं कि जी हमारी पूरी तवज्जो जो है बस अल्लाह की तरफ है और ध्यान में हमारे जहन के अंदर दुनियावी ख्याल नहीं है। जी आप बात कर रहे जी बिल्कुल बेहतरीन फरमाए आपने कि हमारे ख्यालात एक नुक्ते पे किसी भी काम में, किसी भी काम में, कोई भी काम अगर इंसान करता है, अगर उनकी तवज्जो है उस काम में तो वो काम बड़ी अच्छे तरीके से सरंजाम करता है। आजमाने के लिए एक टेक्निक है जो व्यूअर्स भी अपना सकते हैं कि आजमाने के लिए आप किसी काम पे ज़्यादा तवज्जो दे दें, ज़्यादा जल्दी होगा, ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, ज़्यादा उसमें आप जो है ना इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा दिलचस्पी से करेंगे और कोई चीज़ ज़रूर, कोई नई चीज़ उसमें आपको यानी बहुत बेहतर तरीके से वो काम हो जाएगा, क्योंकि कुछ नए चीज़ भी वहाँ से निकल आते हैं कि मिसाल के तौर पर मैं ही ये काम कर ले तो इसका मुझे इसका मतलब भी ये फलां काम भी ऐसा हो सकता है, इससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि ये इस तरह तवज्जो यानी ऐसा चीज़ है, तवज्जो तमरकुज़ी फ़िक्र एक ऐसी ताकत है जो हमें हर काम में, हर चीज़ में, हर लहजा, हर साथ हमें जो है ना उस चीज़ में कामयाबी दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने बहुत से लोग देखे कि फोकस जब नहीं रहता है, फिक्र मुंतशर होते हैं, इवन आप देखें कि जो जॉब्स करते हैं लोग उनके अपने ड्यूटी पे तवज्जो नहीं होते, जब इंसान के अपने ड्यूटी पे तवज्जो नहीं है, अपने काम पे तवज्जो नहीं है, तो भटकता रहता है, उनको प्रमोशन नहीं मिलते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ते हैं, ओहदे नहीं बढ़ते हैं उनके, और वो कई और से भी ऑफर नहीं आते हैं उनको, क्या वाकई एक अच्छे कारकर्दगी है आपकी, एक बेहतरीन कारकर्दगी है आपकी, तो किसी ने देखा कि इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है, तो इसकी तारीफ कई सुनी, तो शख्स को बुलाया इंटरव्यू के लिए और उन्होंने उनको एक बड़ा सा ओहदा दे दिए और बड़े से उससे कहीं गुना ज़्यादा उसकी तनख्वाह होते, यानी हर काम में तवज्जो और हर काम में सच्चाई, इसे कहते हैं कि आप हर काम को तवज्जो से, जिम्मेदारी से कर लें तो हो जाता है। मराकबा भी एक ऐसी ही चीज़ है। अच्छा, वॉच मी ऑन हैक टीवी इन हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम एवरी मॉर्निंग एट 8 AM एंड रिपीट एट 11 PM बुध और हफ्ते को रात 1 बजे और बाकी दिनों में रात 11 बजे रिपीट होंगे। कराची, पिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में हमसे राबिता करें। और कुदरती तरीके से अपना इलाज करें जिसके कोई मुजिर असरात नहीं है। बाय वर मोस्ट पावरफुल हीलिंग एनर्जी समदा एंड वर मोस्ट सक्सेसिव फार्मूला HMM। अल्लाह ताला ने ऐसे जिस्मानी और नफसियाती बीमारियों का इलाज किया और ऐसे मसाइल का हल किया जो दुनिया हैरान है। मेरे तजर्बात, तहकीकात और तहरीरों से भी आप मुस्तफीद हो सकता है। डिप्रेशन का जदीद तरीके इलाज, समदा हीलिंग एनर्जी, मावराई उलूम का खुलासा और अमल, शिफाई तवानाई की पोशीदा दुनिया और जील साइंसेस।
Find me on Google, YouTube and Facebook. Contact us and visit samudayahealing.com.